तीसरी यूनिट अर्थिंग के हम बिंदु 3.3 पे पहुंचे हैं, शेड्यूल ऑफ मटेरियल एंड एसेसरीज कॉस्टिंग एंड एस्टिमेट्स। अब इसमें शेड्यूल ऑफ मटेरियल मतलब जो मटेरियल है उसकी लिस्टिंग करना है और उसके साथ में कौन सी एसेसरीज चाहिएंगी उनकी लिस्टिंग करना है, कॉस्ट क्या है उनकी और उसके अनुसार पूरी अर्थिंग में जो लागत लगने वाली है उसका एस्टिमेट निकालना होता है। लेकिन अपने जो परीक्षा के अंदर केवल जो सामग्री आवश्यक सामग्री की सूची विद स्पेसिफिकेशन, या देखेंगे सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल और क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी चाहिए ये आवश्यक रहता है। कॉस्टिंग पार्ट जो है वो परीक्षा में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग के अंदर क्या क्या आइटम चाहिए। तो जैसे ये सीरियल नंबर है, पहला सीरियल नंबर पे जीआई और कॉपर अर्थ प्लेट, जैसे गैल्वेनाइज आयरन या कॉपर अर्थ प्लेट जो भी है अर्थिंग के लिए चाहिए होती है वो अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो उसकी डायमेंशन क्या है, जीआई है तो 60 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और 6.35 मिलीमीटर मोटी, कॉपर की है तो 60 सेंटीमीटर लंबाई 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.18 मिलीमीटर थिक, ये एक चाहिए अर्थिंग के अंदर। उसके अलावा जीआई पाइप अर्थ वायर को ले जाने के लिए 15 mm डायमीटर का 5 मीटर लॉन्ग जीआई बैंड, फिर गैल्वेनाइज्ड पाइप जीआई पाइप 20 mm डायमीटर का 4 मीटर लॉन्ग फॉर वॉटरिंग मतलब पानी डालने के लिए, जीआई अर्थ वायर 6 मीटर, यहाँ लिखा हुआ 6 SWG, SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, जो आपने फर्स्ट ईयर वर्कशॉप में अध्ययन किया था, एक गोल सा इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब उस उसमें चारों पूरी उसकी पेरिफेरी पे कुछ नंबर लिख के कुछ होल्स होते हैं, तो जो डायमीटर का तार जिस नंबर में से निकलता है वो उसका स्टैंडर्ड वायर गेज कहलाता है। तो 6 SWG का वायर लेंगे, वो 6 मीटर का, गैल्वेनाइज्ड बोर्ड्स नट्स वॉशर ये सारा, ये स्क्रू हैं, थिम्बल्स हैं, कास्ट आयरन कवर जो ऊपर हौदी बनती है उसके ऊपर कवर है, फनल है, चारकोल और सॉल्ट का जो मिश्रण डालते हैं वो 20 किलो 15 किलो, सीमेंट कंक्रीट जो है ये 1:2:4 के रेशो में, ये जो है सामग्री की सूची इस तरह से बनती है अर्थिंग के लिए। जिसमें मुख्य पार्ट क्या था, मुख्य पार्ट था कॉपर की प्लेट या गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट। इसी तरह पाइप अर्थिंग का शेड्यूल ऑफ मटेरियल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इसमें कॉस्टिंग भी दे रखी है, लेकिन हम अपने को परीक्षा के हिसाब से कॉस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि कितना लगता है। तो 2.5 mm डाया का जीआई पाइप, एक ये 19 mm डाया का जीआई पाइप क्वांटिटी 3 मीटर 2 मीटर, ये जीआई वायर 6 SWG। तो अब दोनों अर्थिंग से अपने को एक आइडिया हो गया कि वायर जो लगेगा वो 6 SWG का, 6 स्टैंडर्ड वायर गेज का लगेगा। जीआई लक्स ये 2.5 mm वाला है जो अर्थिंग के लिए जो पाइप है वो है, 10 mm डायमीटर जे बोल्ट्स, 16 mm जे बोल्ट्स, 12 mm डायमीटर जे बैंड, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कास्ट आयरन फ्रेम, वो इस कॉमन है दोनों में, ये सब कॉमन है, केवल वहाँ प्लेट थी और यहाँ पे पाइप है जे पाइप, ठीक है। और इनकी जो जो क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ दे रखी है क्वांटिटी, और ये इनकी कॉस्टिंग है, तो टोटल जो खर्चा है यहाँ पर रखा है 3,150 रुपये करीब।
खर्चा है, मतलब ये 5% है। तो परीक्षा में लेट अर्थिंग या 5% के ऊपर प्रश्न आए तो उनका डायग्राम बनाना होगा और साथ में सामग्री की सूची अगर पूछी गई है तो आपको इस वे में बतानी पड़ेगी, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी। कॉस्टिंग का पार्ट वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, जनरली नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ये स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थिंग एज पर ISI जो अपने इलेक्ट्रिसिटी रूल है इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके आधार पर कि भाई 1 से 10 हॉर्स पावर की जो मोटर्स वगैरह हैं उनकी अर्थिंग करनी है तो कॉपर के कितना वायर लगेगा, कौन से SWG का लगेगा और GI का कौन सा लगेगा, कॉपर की कौन सी प्लेट काम में आएगी, GI की कौन सी प्लेट काम में आएगी। फिर जैसे जैसे बढ़ती है 10 HP से लेके 15 HP के लिए ये वायर 6 SWG, मतलब ये 8 SWG ये पतला है, ये उससे मोटा है 6 SWG, और यहाँ पे प्लेट की मोट ये लगभग सेम ही रहेगा दोनों में, ये सब जगह यहाँ आके थोड़ा सा इस प्लेट की मोटाई बढ़ जाएगी कॉपर के अंदर, और वायर जो है मोटा होता जाएगा। यहाँ पे ये 4 SWG हो गया, 30 से 50 हॉर्स पावर की मोटर है तो ये 4 SWG जो कि इस 8 से दुगना मोटा है, मतलब जैसे जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज का नंबर कम होता जाएगा वायर की मोटाई बढ़ती जाएगी, डायमीटर बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जो है GI के अंदर ये स्ट्रिप काम में लेंगे, ये पत्ती है, पत्ती जिसमें 25 mm जो उसकी चौड़ाई है और 3 mm उसकी मोटाई है, तो वायर की जगह यहाँ पे स्ट्रिप काम में लेंगे GI की, और यहाँ पे भी डायमेंशंस बढ़ जाएगी 90 cm × 90 cm, यहाँ 60 थी तो ये 90 हो जाएगी, 90 90 और 6.35। तो कुल मिला के जैसे जैसे मोटर्स की रेटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अर्थिंग का वायर जो है उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा, और डायमीटर बढ़ने के साथ साथ वायर की जगह आप स्ट्रिप भी काम में ले सकते हैं, और प्लेट की जो है लेंथ और लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी ये 90 हो गई है 60 की जगह। मेथड्स यूज्ड टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस, अब जो भी प्लेट या पाइप जहाँ सॉइल से टच में रहता है या संपर्क में रहता है वो उनके बीच में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है जिसको कहते हैं अर्थ रेजिस्टेंस, तो उसको कम करने के तरीके क्या हैं। एक तो जो भी नट और बोल्ट जो प्लेट पे कैसे जाना है या और भी कहीं पे उस GI जो अर्थिंग वायर है जहाँ से जा रहा है किसी भी मशीन से प्लेट तक पहुंच रहा है सिस्टम से, वो सोल्डरिंग हो या वेल्डिंग नट एंड बोल्ट। दूसरा है पानी डालने पर, लगातार ये कहा गया है कि उसको मॉइस्चर की नमी की कंडीशन में रखा जाए प्लेट के या पाइप के चारों ओर का वातावरण, उसमें नमक और चारकोल का जो लेयर भी बिछाई जाती है और उसको पानी डाल डाल के समय समय पर पानी डाल के उसको नमी युक्त रखा जाता है जिससे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस या अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहती है। इंक्रीज इन प्लेट एरिया, जैसा आपने अभी देखा कि पहले 60 लंबाई चौड़ाई 60 cm × 60 cm थी, बाद में 90 cm जैसे उसकी रेट, तो वैसे ही अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उसका जो प्लेट का एरिया बढ़ाना मतलब उसके डायमेंशंस को बढ़ा देंगे बाय पोरिंग सॉल्ट एंड चारकोल, नमक और चारकोल डालकर। डेप्थ ऑफ प्लेट, प्लेट की गहराई को आप थोड़ा और बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड समानांतर क्रम में अगर लगा दिए जाए तो भी अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि समानांतर क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, सीरीज में जुड़ जाता है और समानांतर क्रम में और कम हो जाता है। ये जो मेथड है अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के तरीके हैं। अब ये है कि कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब पहले से ही कुछ पूर्व मेंटेनेंस जो है
मेंटेनेंस अभिरक्षी या इसको हिंदी में कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब एक्चुअल वर्ड तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पूर्व में जो भी मेंटेनेंस करनी है अर्थिंग सिस्टम की वो क्या है, चेक हाफ ईयरली हर आधे 6 महीने के अंदर इसको चेक करना है, अर्थ फिट को चेक करना है, कोई कवर वगैरह टूट गया तो उसको चेक करना है, अर्थ जो कनेक्शन है उनको टाइट करना है, कोई वायर वगैरह टूट गया तो उनको चेंज करना है, जंग वगैरह लग गया उस पार्ट को उसको चेंज करना, और अर्थ कंडक्टर को जीआई पाइप से के थ्रू ले जाना है अंदर प्लेट तक या पाइप तक। ये साल में उनका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है ना, 2 साल में उसका रिकॉर्ड रखना है, मतलब यूँ नहीं कि एक बार अर्थिंग कर दी और भगवान के भरोसे छोड़ दी, उन्हें इसको रेगुलर 6 महीने साल भर 2 साल में लगातार उनको चेक करते रहना चाहिए कि कोई भी सिस्टम कहीं पे भी अर्थिंग में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई पार्ट जंग तो नहीं खा चुका है, ये गलत है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। धन्यवाद।